चलिए अब नजर डालते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर पर। इस वक्त की अगली बड़ी खबर, अजमेर से कांग्रेस प्रत्याशी रिजू झुंझुनवाला ने भीलवाड़ा में किया मतदान। भीलवाड़ा के गांधीनगर राजकीय कन्या विद्यालय में डाला वोट। मतदान कर अजमेर के लिए रवाना हुए झुंझुनवाला। आपको बता दें कि अजमेर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं रिजू झुंझुनवाला, जिन्होंने भीलवाड़ा में अपने मत का प्रयोग किया। भीलवाड़ा के गांधीनगर राजकीय कन्या विद्यालय में किया मतदान। मतदान कर अजमेर के लिए रवाना हुए रिजू। आपको बता दें कि अजमेर से कांग्रेस प्रत्याशी है रिजू झुंझुनवाला, जिन्होंने भीलवाड़ा के गांधीनगर राजकीय कन्या विद्यालय में अपने मत का प्रयोग किया। इसके साथ ही मतदान करने के बाद वो अजमेर के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में आज पहले चरण के लिए मतदान हो रहे हैं, तो वहीं 13 सीटों पर आज मतदान होने जा रहे हैं राजस्थान में। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और लोकतंत्र के इस पर्व में हम सब लोग अधिक से अधिक मतदान करके अपनी सरकार को चुनने का, जन भागीदारी का जो काम करते हैं, देश में जितना अधिक मतदान होगा, जितने अधिक संख्या में लोग निकलेंगे और निकल करके मतदान करेंगे, उतना ही देश का लोकतंत्र मजबूत होगा। जब ये चुनाव प्रारंभ हुआ था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सभी को आह्वान किया था कि लोकतंत्र के इस पर्व में सबकी भागीदारी अधिक से अधिक बनी। लोकतंत्र का एक महोत्सव है, मेरा मानना है कि सारे लोगों को जो भी जहाँ का है वोट सबको डालने चाहिए। तो मैं आज सुबह पहला वोट डालने आया हूँ इधर, सुबह 7 बजे 5 बजे उठकर, और अब मैं सीधा वापस अजमेर निकल रहा हूँ यहाँ से। तो यही कहते हैं कि सुबह सुबह जो वोट डालो, लाइनें भी कम है, धूप भी कम है, सब कुछ कम है, सब आके सुबह सुबह वोट डाल लें तो पूरे दिन और लोगों को वोट डलवाने में फिर काम आ जाता है उसका। मूड तो आप वहाँ देखेंगे जब पेटी खुलेगी। बहुत बेहतरीन कैंपेन हमने चलाया है और जो मुद्दों को हम लेके चले हैं, एक युवा को रोज़गार और एक पानी की समस्या, हमने कहीं कोई नेगेटिव इशू को नहीं लिया है और मेरे ख्याल से जनता ने वहाँ अपना मन बना लिया है और अभी बहुत शानदार रिजल्ट देख लिया है। आपको बता दें कि आज राजस्थान में 13 चरणों के लिए मतदान हो रहे हैं, तो वहीं लोकसभा की झालावाड़ 12 सीट से दुष्यंत सिंह बीजेपी की तरफ से मैदान में है, तो वहीं प्रमोद शर्मा कांग्रेस की तरफ से। इसके साथ ही अगर अजमेर सीट की बात करें तो भागीरथ चौधरी बीजेपी की तरफ से और उनके सामने रिजू झुंझुनवाला कांग्रेस की तरफ से मैदान में है। उदयपुर एसटी सीट की बात करें तो अर्जुन लाल मीणा बीजेपी की तरफ से, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से रघुवीर सिंह मीणा मैदान में है। वहीं बात करें कोटा की, तो कोटा से बीजेपी की तरफ से ओम बिरला और कांग्रेस की तरफ से रामनारायण मीणा। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो बीजेपी की तरफ से सीपी जोशी और कांग्रेस की तरफ से गोपाल सिंह इटवा मैदान में है। अगर लोकसभा की पाली सीट की बात करें तो पीपी चौधरी बीजेपी की तरफ से है, तो वहीं बद्रीराम जाखड़ कांग्रेस की तरफ से। भीलवाड़ा से सुभाष चंद बहेरिया बीजेपी की तरफ से, तो वहीं रामपाल शर्मा कांग्रेस की तरफ से मैदान में है। तो वहीं सबसे हॉट सीट माने जाने वाली बाड़मेर सीट से बीजेपी के कैलाश चौधरी मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से मानवेंद्र सिंह। जालौर सीट की बात करें तो कांग्रेस से रतन देवासी, तो वहीं बीजेपी से राजसमंद की बात करें तो दिया कुमारी बीजेपी की तरफ से और वहीं कांग्रेस की तरफ से देवकी नंदन गुर्जर। तो अगर एक नजर डालते हैं एमपी लोकसभा की सीट पर, बात करें सीधी सीट की,
शहडोल सीट से प्रमिला सिंह कांग्रेस की तरफ से, वहीं हिमाद्री सिंह बीजेपी की तरफ से लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरी हैं। तो वहीं जबलपुर सीट से विवेक तनखा कांग्रेस की तरफ से और राकेश सिंह बीजेपी की तरफ से मैदान में है। यह वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।